रियासत के दूर उफ्तादा और पसमानदा देही इलाकों में आवाम को बेहतर तबी सहूलियात फराहम करने और उन्हें एक ही छत तले मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों की खिदमत दस्तियाब रखने की एक कड़ी के तौर पर गुज़श्ता दिनों फौज की 19 आरआर बटालियन ने नागडंडी अछबल अनंतनाग के स्वामी विवेकानंदा आश्रम में अनंतनाग के मेडिकल हुकाम के इश्तराक से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, मर्दों और औरतों समेत 1500 के करीब मरीजों का इलाज और मुआलजा किया गया और इस गरज से फौज के डॉक्टरों के अलावा सिविल डॉक्टरों ने भी अपनी खिदमात अंजाम दी, जिनमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर भी शामिल थे। कैंप का इफ्तिताह 2 सेक्टर आरआर के कमांडर ने किया। इस मौके पर कई आला फौजी और सिविल हुकाम के अलावा मुअज्जज शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। डॉक्टर ने मुख्तलिफ किस्म के मरीजों का निहायत ही बारीक बीनी से तिबी मुआयना करके उन्हें इलाज और मुआलजा तफवीज किया और साथ ही उन्हें मुफीद तिबी मशवरों से नवाजा। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। डॉक्टरों का हाथ बटाने और मरीजों की बेहतर खिदमत के लिए नीम तिबी अमले की खिदमत भी दस्तियाब रखी गई थी। नागडंडी अछबल के जो मरीज इस कैंप से मुस्तफीद हुए, उनका कहना था कि इस तरह के कैंपों के इनेकाद से उन्हें शहरों और कस्बों में कायम अस्पतालों में जाने से छूट मिलती है और फिर उन्हें इस हवाले से रुपया पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ता है। इलाके के आम लोग मेडिकल कैंप के इनेकाद से खासा इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के कैंप हकीकी मानों में लोगों के अमराज को ठीक करने का एक मुफीद और सुनहरी मौका फराहम करते हैं। ये जो साथ मेडिकल कैंप है, मैं बहुत खुश हुआ कि ये देखकर कि इसकी लाख हबातों से बेहतर है कि अगर यहाँ किसी के काम आ जाए। मैंने अपने आंखों से देखे कि हैंडीकैप्ड को ये मूविंग चेयर दे रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो अब मेरा मकसद यही है कि हम आपस में मिलजुल कर करें। हड़तालों से तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ हमारे खास में हमसे अवेलेबल है। या मैंने देखा है कि म्यादे के डॉक्टर है, जॉइंट्स के डॉक्टर है, हार्ट के डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट मैंने यहाँ देखे हैं। तो यहाँ जिसको पैर में कुछ प्रॉब्लम है या जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम, बहुत से डॉक्टरों को मैंने यहाँ देखा है, बहुत से लोग मैंने यहाँ देखे हैं। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुशामदीद बात है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उधर हमारे को फीस देना पड़ता है, कभी 200 कभी 400। गरीब के पास फीस नहीं होता है, तो यहाँ पर सब कुछ फ्री है, हर कोई चीज मैसर है। तो आगे भी ये काम होनी चाहिए, ये हर जगह अगर ये होगा तो कितना अच्छा होगा। फौज का अच्छा कदम है लोगों के खातिर, बहुत ही अच्छा कदम। खुशी हिंस कत किए आज से 19 आर आर फौजन कुर्म चाहिए मेडिकल कैंप के निकात ये गरीब गुरबात नौजवान या बाकी बेमार वेमार आम लुकन हंद खो थोमु दवा मुहैया डॉक्टर्स अवेलेबल। तो यह लुकन हंद जान कदम, आवाम के खतरा जान कदम कि यह यह फ्री बगैर पोस या क्या यह थोमु लुकन हंद फायदे खात ये इलाक कें फायदे खात कह तमाम गरीब गुरबा यम हा आन फायदे तुलित यो मुहिम क्या चेयर्स नौजवान लोर दिख बैसाखी नौजवान जंग या नर फुट या क्या बाकी मेडिकल स्टाफ तुम्हें हेल्प करें यु लोकल मेडिकल स्टाफ तुम जान कदम कि अगर इत गरीब गुरबान तकन मतलब अमीर आकान बड़े डाक्टर नश ग गरीब गुरबा हेकान बड़ी डाक्टर नश ग फीस भरत कह तम भरत दवा मिल लिहाजा जान कदम अ इंसानियत क्या खुदावंद करीम डॉक्टर इकबाल वन दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कुरोबियाँ। यह सही कि इंसान बनोन अशरफुल मखलूकत अमिश दिन अक्स अगर बकार यह बड़ इबादत सारी खो इबादत खुद बड़ इबादत इबादत खलकुल्ला यम वन हकूकुल इबाद कि अगर अक्स अकार बकार यमो पे रंगस मज यह जान कदम तो लिहाजा अगर अमीद इनशाला हमेशा रलित मिलित इकवट हमेशा कर इनशा यचिन अल्लाह ताला हमेशा अक्स मदद कर बेसिन बी बरदरी मज रोज अमन सान अल्लाह ताला दिन रुत तौफी। सुल अहमद पाउस ब्रिज पे ब्रिंटी दहलगाम ये तो मैं कैंप कर्मुत दिस दावत फौजन दिन तुम लोर अम थोड़ा सूच पकन मैं गमत वह नो अमो। कैंप में जिन डॉक्टरों ने अपनी खिदमत अंजाम दी, उनके ख्याल में गरीब और नादार मरीजों को इलाज और मुआलजे से मुतलिक सहूलियात फराहम करना सबसे अजीम इंसानी खिदमत के मुतरादिफ है।
उनका कहना था कि पसमानदगी और गफलत के अलावा ऐसे इलाकों में तिबी सहूलियात ना होने के बराबर होती हैं, जिसकी भरपाई की खातिर ऐसे इलाकों में मेडिकल कैंपों का एहतमाम खासी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाने का जो पर्पस था हमारे काम, कि जो भी आवाम है जिनको मेडिकली अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, जो लोग गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको जरूरत के मुताबिक दवा दिया जाए। आर्मी ने यहाँ पे बहुत एक बड़ा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें क्रचेस, इसमें व्हील चेयर्स एक्सेट्रा वगैरह दिया गया है, जो बंदे उस टॉपिक को कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा सब करने से आवाम और फौज के बीच में जो दूरियां पहले बनी हैं, क्योंकि स्टेट में मिलिटेंसी रही है पहले, जो दूरियां बनी हैं आवाम और फौज के बीच में, उसको कम किया जा सके। ऐसे स्टेप्स आर्मी ले रही है, हम हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे जरूरतमंद इंसानों को एक प्रॉपर मेडिकल केयर दी जाए, इसकी वजह से आवाम और फौज के बीच में दूरियाँ कम हो जाए। लोगों का रेस्पॉन्स तो आप देख ही रहे हैं, इट इज वेरी गुड, एक्सलेंट। अगर ऐसे कैंप होते रहें, स्पेशली इन पेरिफ्रीज, तो बहुत बहुत हद तक जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, स्पेशली जो हेल्थ के रिलेटेड मसाइल हैं वो बिल्कुल हल हो सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट एक, अगर यहाँ हम हतमी ट्रीटमेंट नहीं दे सके, कम से कम स्क्रीन कर सकते हैं हम पेशेंट को कि किसको क्या जरूरत है, किसको क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जनरल पेशेंट्स है, सबसे पेशेंट्स आज यहाँ आए, पोस्ट रेजिडुअल जो पोलियोमेलाइट्स होता है, जिनको जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनको काउंसिल कर रहे हैं, उनको 16 कोर RR के जो GOC हैं उन्होंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो व्हाट यू कॉल एज व्हील चेयर्स एंड क्रैचेस सप्लाई किए, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू 16 कोर RR, दे हैव ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल कैंप, एंड इट इज, ये खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों की कि यहाँ इस इलाके में ये कैंप हुआ। फौज के हुकाम दी इलाकों में आवाम की मजबूरियों और मुश्किलों को खातिर में लाते हुए इस तरह के मेडिकल कैंपों को दी आबादी के लिए फौज की तरफ से एक बेहतरीन सौगात करार देते हैं। उनका मानना है कि ऑपरेशन सद्भावना की वजादत से इस तरह के मेडिकल कैंपों का इनेकाद फौज और आवाम के दरमियान रिश्तों में एक नई गर्मजोशी को फरोग देता है। इस प्रकार की भी मदद हम आवाम की कर सकें, हम कर पाएं, और इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये मेडिकल कैंप्स का जो सिलसिला है, हर जगह पर हम ये कर रहे हैं, और आज ये हमने ये आश्रम के अंदर ये एक मेडिकल कैंप किया है, और मुझे खुशी हुई है इतनी भारी तादाद में आवाम को देखकर जो कि यहाँ पर उपस्थित है। और इस प्रकार के मेडिकल कैंप हम आगे भी करते रहेंगे, और पूरे साउथ कश्मीर के अंदर और विक्टर फोर्स के एरिया के अंदर अमन है मुकाम, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम हर किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आवाम को अपने साथ मिला सकें, अपने साथ हमारे साथ वो चल सकें, और हर प्रकार की जो मदद हम उनकी कर सकें। इसीलिए चंद एक खेल कूद का आयोजन किया गया है, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको खेलों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की स्पिरिट जागृत करें। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कार्रवाई शुरू कर रखी है। रियासत में मकबूल आम खेल क्रिकेट में नौजवान खिलाड़ियों की दिलचस्पी को देखते हुए फौज की 2 RR ने गुज़श्ता दिनों बड़गाम जिला से वाबस्ता मुख्तलिफ क्रिकेट टीमों के दरमियान एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें जिला की 8 उम्दा क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल सोईबुग और बड़गाम बैंडिक्स की टीमों के दरमियान खेला गया। इस फाइनल मैच में बड़गाम बैंडिक्स ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए